नमस्कार, सरल भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा। इस विश्व में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी खास वजह और उनसे जुड़ी मान्यताओं के लिए सुर्खियां बटोरती है। आपने खान पान, रहन सहन, विचित्र पेड़ पौधों से संबंधित अजब गजब रोचक तथ्य सुने होंगे, लेकिन आज आपको हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब गांव के बारे में बताएंगे। इस दुनिया में ऐसे कई गांव हैं जो अपनी किसी न किसी खासियत के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसे कोई गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो कोई गांव अपने साफ सफाई के लिए मशहूर है। लेकिन हम आज ऐसे ही कुछ गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अजीबोगरीब वजहों से भी जाना जाता है। दुनिया भर में ये गांव मशहूर है, इनके बारे में लोग जानकर हैरान रह जाते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पेन में जुजकार नाम का एक गांव है जो पूरा का पूरा नीला है, यानी यहाँ हर किसी का घर नीले रंग का है। कहते हैं कि साल 2011 में यहाँ 3D फिल्म के लिए कुछ लोगों ने अपने घरों को नीले रंग से रंगवा दिया था। इसके बाद तो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने अपने घरों को नीला बना दिया। दूसरा ऐसा ही नाम आता है नीदरलैंड का ग्रियथुन गांव का। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है और साथ ही साथ एक अजीब वजह से भी ये सारी दुनिया में मशहूर है। दरअसल इस गांव में एक भी सड़क नहीं है, इस वजह से यहाँ ना तो किसी के पास कोई गाड़ी दिखती है और ना ही किसी के पास कोई मोटरसाइकिल है। दरअसल इसकी वजह ये है कि ये गांव पानी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ लोग कहीं भी आने जाने के लिए नावों का सहारा लेते हैं। यहाँ घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके बाद इटली अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहीं का एक गांव है विगानेला, जो मिलान शहर के गहरी घाटी के नीचे स्थित है। ये गांव पूरी तरह से घाटियों से घिरा हुआ है और इतनी गहराई में बसा हुआ है कि यहाँ सर्दियों में लगभग 3 महीने तक सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है, जिस कारण इंजीनियर्स ने एक बड़ा सा आईना बनाया है जिसकी मदद से सूरज की किरणें गांव तक पहुंच पाती है और पूरे गांव को सूरज की रोशनी मिल पाती है। चौथा नाम इस लिस्ट में होक्से गांव का है, जिसे एक किडनी वाला गांव भी कहा जाता है। दरअसल ये विचित्र नाम वाला गांव नेपाल में स्थित है। यहाँ के लोग अपनी एक किडनी बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर है। हमारे शरीर के जिस अंग की कीमत दुनिया भर में काफी ज्यादा है, वही दूसरी तरफ ये अंग होक्से गांव में महज 2,000 रुपए में बिकता है। इसके बाद ड्वार्फ विलेज का नाम शामिल है, यानी बौनों का गांव। ये गांव चाइना में स्थित है, जहां पर करीब सभी लोग बौने हैं। इसी कारण इस गांव का नाम बौनों का गांव पड़ गया। बौनों का गांव से जुड़ी अजीब बात यह है कि यहाँ जब बच्चे 5 से 6 साल के होते हैं तो उनका शरीर विकास करना और बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके पीछे की कहानी तो और भी अजीब है। लोगों का कहना है कि एक दफा वांग नाम के एक व्यक्ति को अजीबो पैरों वाला एक काला कछुआ मिला। उसका ऐसा रंग रूप देखकर गांव वाले दुविधा में पड़ गए कि इसे पकाकर खाया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, परंतु अंत में उन्होंने इसे पकाकर खा ही लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आगे आने वाले पीढ़ियों में बच्चे बौना पैदा होने लगे। ऐसी तमाम रोचक खबरों के लिए देखते रहे सरल भारत न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।